सर लोनी पुलिस ने एक एनजीओ को पकड़ा है जो कि ब्लैकमेलिंग का काम करता है। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ इनसे बरामदी मिली है, किसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई? कल दिनांक 17 मई को थाना लोनी पर एक मेडिकल स्टोर द्वारा यह शिकायत की गई कि कुल 4 लोग उनकी दुकान पर आए। उन्होंने अपने आप को एक मानवाधिकार संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए उन पर आरोप लगाया कि आप नकली व प्रतिबंधित दवाएँ बेचते हैं और मामले को रफा दफा करने के एवज में अवैध रूप से 50,000 रुपये की मांग की। इस संबंध में इन्होंने हमें शिकायत दी, FIR पंजीकृत कर 4 जो अभियुक्त हैं गिरफ्तारी की गई है, प्रकरण में आगे कार्रवाई की गई। क्या सर इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, नाम और महिलाओं का नाम? तो जो पुरुष हैं जो महिलाएं हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या ये गैंग NCR में सक्रिय था या फिर और इन लोगों ने किन किन दुकानों पर जाकर किस तरह के प्रयास किए हैं, किस तरह की मांग की है, इस संबंध में हम विस्तार से जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद इसको भी विवेचना का हिस्सा